प्रधानमंत्री के मन की बात वाराणसी के पथ विक्रेताओं के साथ। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में 99वें संस्करण का आयोजन आज हुकुलगंज वेडिंग जोन बाजार में भारतीय पथ विक्रेता संघ वाराणसी उत्तर प्रदेश ने वाराणसी के पथ विक्रेताओं के बीच में किया। वाराणसी के पथ विक्रेताओं ने मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समझा, भावना को और भी मजबूती मिले, पथ विक्रेता इसका प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पार्षद ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव, आशीष कुमार गुप्ता, रोशन अग्रहर, लखू सोनकर, गुड्डू चौहान, कन्हैया अग्रहर, डब्लू गुप्ता, संतोष गुप्ता, बबलू सोनकर, राजकुमार केसरी, सोन सोन पासवान, पप्पू सोनकर, मोनू बीन, महेश सोनकर, अजय तिवारी, अशोक गुप्ता, राम पंजियार, विनोद सोनकर, राजू बारी, हीरा सोनकर, रमन रामचंद्र सोनकर और भी कई लोग मौजूद रहे। वाराणसी से मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। इनका हार्ट, दो किडनी, लिवर और दोनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवार जनों का नेतृत्व, मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है वो अंगदान के लिए आपकी माता जी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी अपना परिचय बताएं। ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी आज प्रधानमंत्री के मन की बात का 99वां संस्करण आप लोगों ने सुना, क्या खास रहा इस मन की बात कार्यक्रम में? आज के इस मन की बात कार्यक्रम में जो माननीय मोदी जी का ये 99वां एपिसोड था, इसमें इन्होंने विशेषता नारी शक्ति पर विशेष बल दिया और प्राकृतिक सौंदर्य की बात भी की। क्योंकि ये नवरात्र का महीना चल रहा है, माता रानी का महीना चल रहा है और माता रानी का महीना है तो इसमें नारी शक्ति और प्रकृति की बात भी होनी चाहिए। जैसे माननीय मोदी जी ने डल झील की बात कही, सौंदर्य की बात कही तो डल झील की बात की, और अगर लोको पायलट की बात की तो नारी शक्ति की बात इसमें हो गई। हम लोग हमेशा माननीय मोदी जी के मन की बात को सुनते हैं और उसको अमल में लाने का प्रयास करते हैं। माननीय मोदी जी जो ये मन की बात सुनाते हैं, इसमें हम लोगों का सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि हम लोग उनके मन की बात को सुने और उसको अमल में भी लाने का प्रयास किए। हम तमाम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वार्ड अध्यक्ष जी हैं, वार्ड सचिव हैं, आशीष जी हैं हमारे वरिष्ठ नेता, और हुकुलगंज में जो वेडिंग जोन है उसके लघु विक्रेता जी हैं, रघु शंकर जी हैं, और भारतीय पथ विक्रेता संघ के नेतृत्व में आज मेरी मौजूदगी में और आशीष जी, बड़े भाई आशीष जी के मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ है। हम सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई देते हैं और आने वाले रामनवमी के दिन की भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी अपना परिचय बताएं। मैं आशीष कुमार गुप्ता, भारतीय पथ विक्रेता संघ संस्थापक संयोजक। आशीष जी, आज हुकुलगंज वेंडिंग जोन में आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी, क्या प्रेरणा लिया आप लोगों ने उससे? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भारतीय पथ विक्रेता संघ के द्वारा यहाँ के जो पार्षद हैं, लोकप्रिय पार्षद हमारे हैं विशेषज्ञ श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हुकुलगंज वेंडिंग जोन में भारतीय जो पथ विक्रेता है बनारस की, उनका ये सुना गया है। आज जो मोदी जी ने बात कही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, भारतीय पथ विक्रेता संघ हमारे वो पार्षद नहीं, हमारे पार्षद जी के साथ सांसद जी को भी हम करते हैं, ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय पथ विक्रेता संघ करेगा। यहाँ का पटरी वेंडर पथ विक्रेता संघ उसके साथ नेतृत्व में करेगा। जो एक भावना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है, ये श्रेष्ठ भावना है, इसको आधार बनाकर हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। आशीष जी, आगे G20 सम्मेलन भी है, उसमें पथ विक्रेताओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद और देश, हमारा भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए है। इसलिए मैं इनको कहना चाहूँगा पथ विक्रेताओं से कि हमारी जितनी अच्छी भूमिका इसमें हो सकती हो उतनी हो, ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि ये सफल कार्यक्रम हो G20 का। और मैं उनको सबसे कहना चाहूँगा, मैंने अपने जितनी भी शाखाएँ हैं सभी अध्यक्षों से मैंने निवेदन किया है कि स्वच्छता कायम रखें, हर जगह अपने बैनर लगाएं, क्योंकि आने वाले जितने भी अतिथि हैं उनको लगे कि हम क्या हैं, वो हमारे मेहमान हैं, मेहमान को अतिथि हम समझते हैं, उनका सत्कार हमारे द्वारा हो और अच्छा हो,
इसका मैसेज पूरे विश्व में जाए, इसका प्रयास भरपूर करेंगे।